क्वेश्चन नंबर 40, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एस सी वर्मा बुक. क्वेश्चन नंबर 40 सेज दैट ए ब्लॉक ए कैन स्लाइड ऑन फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा एंड लेंथ एल. लेंथ एल इनसाइड एन एलिवेटर गोइंग अप विथ एन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. फाइंड टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू स्लाइड डाउन द लेंथ ऑफ द इंक्लाइन इफ इट इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ द इंक्लाइन. ओके, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक एलिवेटर है, एलिवेटर है, लिफ्ट है, ये इस पर एक ऐसा इंक्लाइन बना रखा है, इसका लेंथ एल दिया हुआ है, एक ब्लॉक को इसके टॉप से रिलीज कर रहे हैं, स्मूथ है, बिल्कुल सरफेस स्मूथ है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं, रफ नहीं है. तो इसको, इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक, बॉटम तक आने में कितना टाइम लगेगा, और कह रहे हैं कि एलिवेटर रेस्ट में नहीं है, इट इज़ मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी अपवर्ड, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. अच्छा देखो, ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं हुआ, आसान क्वेश्चन में से मैं कहूँगा इसको. पहली बात ये कि जो टाइम है, टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम. एक ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे खड़ा है, ग्राउंड पे, और ऑब्जर्वर वन और दूसरा ऑब्जर्वर, सपोज ये लिफ्ट में ही, यहाँ पे एलिवेटर में ही ऐसे बैठा हुआ हो ऑब्जर्वर टू, दोनों यहाँ से जब ब्लॉक चलना स्टार्ट करेगा, दोनों वो इवेंट सेम टाइम पे नोटिस करेंगे. जब ये ब्लॉक यहाँ पे पहुँचेगा, फिर उस टाइम पे दोनों इस इवेंट को, यहाँ पे ब्लॉक जब पहुँचा, दोनों सेम टाइम पे नोटिस करेंगे. सपोज करें अगर हम लोग ये एलिवेटर के जो वॉल हैं वो ग्लास के बने, ये ऑब्जर्वर भी उसको देख सकता है, तो दोनों ही इस इवेंट को, यहाँ पे पहुँचने के इवेंट को ब्लॉक के साथ में नोटिस करेंगे. तो जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम है. ये ऑब्जर्वर जितना टाइम नोटिस करेगा यहाँ से यहाँ तक आने का, ये ऑब्जर्वर भी उतना ही टाइम नोटिस करेगा इस ब्लॉक के यहाँ से यहाँ तक आने का. तो ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन को बेटर है कि इस ऑब्जर्वर टू के रिस्पेक्ट में सॉल्व करें. क्यों ऐसा बेटर है? क्योंकि ऑब्जर्वर वन के लिए जो ऑब्जेक्ट का पाथ होगा यहाँ से यहाँ तक का, वो स्ट्रेट लाइन नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये ऊपर भी जा रहा है, तो इसका कुछ ऐसे मोशन बन रहा होगा. जबकि ऑब्जर्वर टू के लिए, ऑब्जर्वर टू को लगेगा मैं तो रेस्ट में हूँ, केवल ऊपर नहीं जा रहा हूँ, केवल ब्लॉक ऐसे ऐसे स्लाइड करता है, वह नीचे आ रहा है. तो हम लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा. हम लोग को ये बस ऑब्जर्वर टू को लगेगा कि यहाँ से यहाँ तक जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो एल है, तो ऑब्जर्वर टू के लिए ही सॉल्व करते हैं. तो सॉल्विंग विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर टू, सॉल्विंग विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर टू, ऑब्जर्वर टू के लिए सॉल्व कर रहे हैं. अच्छा देखो, ये क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन कब बन जाता, अगर कहते एलिवेटर ऊपर एक्सेलरेटेड भी है. एक्सेलरेटेड है तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम लोगों ने ऐसा डिस्कस किया है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल बनता, हम लोग को स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता. बट इस क्वेश्चन में ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, हमारा ऑब्जर्वर जो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है. तो अगर एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, ऑब्जर्वर का, तो स्यूडो फोर्स हमें नहीं लगाना पड़ेगा, ये इनर्शियल फ्रेम की तरह हम ट्रीट करेंगे. तो अब देखा जाए कि ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आना है, तो इसका ब्लॉक का नीचे आने का एक्सेलरेशन कितना होगा इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में. तो ये ऑब्जर्वर क्या नोटिस कर रहा है, इसको फिजिक्स आती है, ये कहेगा कि ठीक है भाई, एक फोर्स mg लग रहा है, दूसरा फोर्स नॉर्मल लग रहा है, mg अर्थ लगा रहा है नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल ये इंक्लाइंड सर्फेस लगा रहा है अपनी सर्फेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और कोई स्यूडो फोर्स लगाना नहीं है क्योंकि ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड नहीं है. इस बात को नोटिस करेंगे, ध्यान रखेंगे कि स्यूडो फोर्स तभी लगाएंगे जब ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड हो, अदरवाइज स्यूडो फोर्स नहीं लगाना है, केवल रियल फोर्सेस ये लग रहे हैं. अब ये रियल फोर्स लग रहे हैं, इनको रिजॉल्व कर देते हैं अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन. अगर देखें ये थीटा एंगल है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ये थीटा हो जाएगा, और इसके सामने का एंगल ये, फिर ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये एंगल थीटा बन जाएगा. अच्छा सॉरी, एन को रिजॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, एम जी को रिजॉल्व कर देते हैं. एम जी को रिजॉल्व कर दिया, इसके अलोंग एम जी साइन थीटा, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन ये बन जाएगा, ये थीटा एंगल है, एम जी कॉस थीटा. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को तो सरफेस के अलोंग चाहिए एक्सेलरेशन, तो एम जी को ब्रेक कर दिया. तो सरफेस के अलोंग अगर एक्सेलरेशन बोलें, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ऑफ ब्लॉक अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस,
A is equal to force along the surface upon mass. Force along the surface is mg sin theta upon mass. So acceleration is g sin theta along the surface. So along the surface jo acceleration aa raha hai wo aa raha hai g sin theta. So block is observer ke respect mein g sin theta acceleration se ye niche slide kar raha hai. Bas theek hai. Ab second equation of motion s is equal to ut plus half at square along the surface along the incline. Ye laga diya jaye. S की वैल्यू कितनी, जब ये यहां से यहां तक आएगा तो डिस्प्लेसमेंट इसका L, U कितना था इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन कितना बन रहा है G sin थीटा अलोंग द इंक्लाइन एंड T स्क्वायर. यहां से T की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. T की वैल्यू 2L अपॉन G sin थीटा. ये आंसर आ गया. इतना टाइम लगेगा इस ब्लॉक को यहां से तक आने में. ये ऑब्जर्वर ये नोटिस करेगा और ये ऑब्जर्वर फिर उतना ही नोटिस करेगा. टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम. अब देखो यही क्वेश्चन अच्छा कब हो जाता, जब इस क्वेश्चन में ये दिया जाता कि एलिवेटर ऊपर एक्सेलरेटेड है ए से. अब वो क्वेश्चन, अब एस सी वर्मा वाला जो क्वेश्चन है, इस बुक का जो क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर दिया. अब थोड़ा हम लोग कुछ और करते हैं कि अगर ये फ्रेम जो है मेरा, जो लिफ्ट है वो ए से ऊपर एक्सेलरेटेड होती तब ये क्या होता, कैसे सॉल्व करते. अगर ऊपर एक्सेलरेटेड होती, अच्छा चलो मैं इसमें अभी रीज कर रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके. तो आई होप कि बहुत आसान है, सबको समझ में आया होगा, सारे बच्चों को. तो अब इसके बाद इसी में जब इस क्वेश्चन को डिस्कस कर ही रहे हैं तो एक अच्छी बात इसमें देख लेते कि अगर ये एलिवेटर ऊपर ए एक्सेलरेशन से जाता तब यही क्वेश्चन का आंसर क्या आता, कैसे सॉल्व करते. तो अब इसमें क्या होता, अगर यहाँ पे अब मैं चेंज कर रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ जो हमने सॉल्व किया है, अब इसको इरेज कर रहा हूँ. तो सॉल्व किया तब नया क्वेश्चन होता, सपोज क्वेश्चन होता कि ये जो एलिवेटर है वो ऊपर जा रहा है ए नॉट एक्सेलरेशन से. दिस ए नॉट एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट. तो इस केस में हम लोग को क्या करना पड़ता, तो इस केस में हमको करना क्या पड़ता, फिर से फोर्सेस बनाते. मैं एकदम स्टार्ट से यहाँ पर रब करके दिखा दे रहा हूँ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. तो एक अर्थ लगा रहा होता है mg, नॉर्मल लगा रहा होता ये सरफेस, और एक हमको स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता. तो स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता, हम लोग किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करने जा रहे हैं, सॉल्विंग विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर टू, जो हमारा लिफ्ट है एलिवेटर है उसके ही रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, एलिवेटर इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं. एलिवेटर एक्सेलरेटेड है तो इसमें ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हम लोग को एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्यूडो फोर्स नहीं लगाएंगे तो न्यूटन्स लॉ रियल फोर्सेस के साथ करेक्ट रिजल्ट नहीं देंगे, जो हम लोग ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और क्वेश्चंस में भी. तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, अब तक आप लोग सब जान चुके होंगे स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, लगाया जाएगा इस ब्लॉक पे जिधर ऑब्जर्वर या फ्रेम का एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में. तो फ्रेम का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाएगा. कितना लगाया जाएगा, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको स्टडी कर रहे हैं उसका मास, लेट्स से मास इज एम. क्वेश्चन में दिया नहीं है क्योंकि वो कट जाएगा, उसकी जरूरत नहीं आने वाली है. तो मान लिया मास इसका एम है, इन टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर या फ्रेम ए नॉट. तो स्यूडो फोर्स लगाना पड़ा हमको फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है उसका अपोजिट डायरेक्शन में एम ए नॉट. अब हम लोग सॉल्व करेंगे. अब हम ऑब्जर्वर टू को क्या लगेगा कि ये ब्लॉक स्लाइड करता हुआ नीचे इंक्लाइन के लॉन्ग नीचे आ रहा है. तो अब वो जब रिजॉल्व करेगा तो इसको दो फोर्सेस हैं, तो इधर की तरफ जो आपका अब फोर्स का कंपोनेंट आएगा वो आएगा एम जी प्लस एम ए नॉट साइन थीटा. तो एम कॉमन ले लें तो जी प्लस ए नॉट साइन थीटा, और इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ये बन जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, एम जी प्लस एम ए, तो जी प्लस ए नॉट कॉस थीटा. ये एंगल थीटा नॉट था, थीटा था. तो इस बार क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक अलोंग द सरफेस विल बी फोर्स अलोंग द सरफेस अपॉन मास. तो फोर्स अलोंग द सरफेस इज एम जी प्लस ए साइन थीटा.
divided by m means acceleration in this case will be g plus a naught sin theta. ये acceleration बना. Block का acceleration कौन देख रहा है, किसके respect में? तो observer 2 के respect में, ये elevator के respect में. अब फिर से वही equation, s is equal to ut plus half it square along the incline. हम लोग सारा ये question solve कर रहे हैं observer 2 या elevator के respect में बात हो रही है. ये लगा दिया जाए, s की value l, a जो है वो change कर देंगे, कितना हो जाएगा इस पर, g plus a naught sin theta इंटू टी स्क्वायर. टी की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, ये आ जाएगी जी की जगह जी प्लस ए नॉट साइन थीटा और इसका अंडर रूट, अंडर रूट. ये आंसर इस बार आ जाएगा, तो आंसर बदल जाएगा. तो इस बार हम लोग को क्या करना पड़ा, स्यूडो फोर्स लगाना पड़ा. अच्छा, इसी में अगर मैं अब आप सबसे पूछ लूँ कि क्या होता कि अगर ये एलिवेटर नीचे जा रहा होता ए नॉट एक्सलेशन से, तब कितना टाइम ऑब्जर्वर टू जो है वो नोटिस करता, कितना निकालता. अच्छा, जितना ऑब्जर्वर टू टाइम निकालेगा वही ऑब्जर्वर वन का बेगा, क्योंकि टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम. तो उस केस में हमको स्यूडो फोर्स क्या करना पड़ता, ऊपर लगा देते एम ई नॉट, तो रिजल्टेंट फोर्स जो नीचे लगता वो एम जी प्लस एम जी माइनस एम ई नॉट लगता, उसका इधर कंपोनेंट आ जाता एम जी माइनस ए नॉट साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाता जी माइनस ए नॉट साइन थीटा. तो इस तरीके से हर जगह जहाँ प्लस जी प्लस ए नॉट है वहाँ जी माइनस ए नॉट टाइम आ जाता है जी माइनस ए नॉट साइन थीटा. हाँ, उस क्वेश्चन में मुझे ये देना पड़ता है कि ए नॉट इज लेस देन जी. ए नॉट अगर जी से बड़ा हो गया तो कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, नॉर्मल जीरो हो जाएगा. आप कैलकुलेट करके या ऐसे समझ सकते हो. तो ये एक क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ, क्वेश्चन नंबर 40 एस सी वर्मा का बुक का. और इसमें मैंने एक एडिशनल आपको ये बता दिया कि अगर एलिवेटर ए नॉट से ऊपर जा रहा होता, कांस्टेंट वेलोसिटी की न हो की जगह कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता, तब क्या मॉडिफिकेशंस करने पड़ते, तब कैसे सॉल्व होता. आई होप सब बच्चों के समझ में आया है. तो अब हम लोग इस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं.